ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण और इकोसिस्टम। जो भी चीजें हमारे इकोसिस्टम में है सबकी उतनी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो लिविंग हो, जिंदे हो या मरे हुए हो। तो पर्वत, पहाड़, झरने ये प्रकृति के देन है। और बड़े बड़े पुलवाड़ करने का नतीजा हमने अभी कुछ सालों से देखा हुआ है। वर्तमान में जो हमारा पूरा का पूरा एक इको सिस्टम है, जिसमें बारिश होने से लेकर फसल उगाने तक बारिश होता है, बारिश कराने का काम भी करते हैं, दबाव क्रिएट करते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हम बोलते हैं कम दबाव और ज्यादा दबाव। अगर ये वृक्ष कट गए तो हालात वही होंगे जो अभी वर्तमान में अफ्रीका के साथ हो रहा है, या जो बहुत सारे ऐसे हमारे विदेश है, या फिर हम भारत में हम देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज थी, राजस्थान में जल उस पर पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है, क्योंकि वहां पे तो पूरा घिर चुका है। राजस्थान में वाटर लेवल कम हुआ, वहां पर अब पुलिस लगाए गए हैं पानी को बचाने के लिए। तो हालात ये हो चुके हैं कि अब हम पानी को, जो प्रकृति की देन है, उसको बचाने के लिए हम पुलिस लगा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है यही है कि हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि वन लगाओ, वृक्ष लगाओ, और दूसरी तरफ वही उस वृक्ष को काटने के लिए परमिशन दे रही है। उसके बाद जो खनन किया जा रहा है, वो खनन इतना बेकार होने वाला है, उसका इम्पैक्ट हम रायगढ़ और कोरबा में देख सकते हैं कि जहां पर खदान खुले हैं, खदान से खनन हुआ है, वो जगह पूरी तरीके से बंजर हो जाए। वहां पर आप वापस से फॉरेस्ट को लगाने के लिए, वन को लगाने के लिए जो आपको नियमितीकरण करने चाहिए, वो सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ये रहता है कि वन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वहां रहते हैं जीव, आप उनसे उनका घर नहीं छीन सकते। ये वही बात होगी कि आपके घर में कोई बम फेंक दिया और आपको बोला कि आप घर से निकल जाओ, ये घर अब आपका नहीं है। अगर आप उन जीवों को वहां पर रहने नहीं देंगे, अगर वहां पर जीव नहीं रहेंगे तो वो कहां जाएंगे। और यही एक रीजन है कि आजकल बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। आप उनको पिंजरे में बंद कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं, तो ये उनके ऊपर होने वाले एक उत्पीड़न है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां रहने वाले लोगों की है, जिनकी पूरी की पूरी आश्रित होते थे कि वो पूरे पूरे वनों पर आश्रित है। अगर आप वहां पर जंगलों की कटाई करेंगे तो उनका आवास, उनका जो वनों पर आधारीकरण है, उनका जो जीवन है, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो कुछ लोगों के फायदे के लिए जंगल की कटाई करना बहुत ही खराब चीज है। अगर आप जंगल की कटाई कर रहे हैं तो वृक्ष की कटाई होगी, वृक्ष की कटाई कर रहे हैं तो जो हमें लाभ मिलते हैं जंगल से, जो पानी, जो वर्षा, जो मानसून हमारा आता है, वो पूरा पैटर्न बदल जाएगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं बेमौसम बारिश, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है पर्यावरण के साथ खेलवाड़। और वनों की कटाई मतलब सीधे तरीके से पर्यावरण को नुकसान या तबाह कर देना, और इसका परिणाम हम भुगत भी रहे हैं। और अगर ये नहीं रुका तो हमारा जो आगे के आने वाली पीढ़ी है वो इससे इतनी ज्यादा तरीके से प्रताड़ित होगी कि फिर ये जो कुछ औद्योगिक उद्योगपति हैं फिर वही जिंदा रह जाएंगे, सामान्य लोग पूरी तरीके से मर जाएंगे। तो इतना ही जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, इससे आप सभी अवगत हैं कि हसदेव के जो क्षेत्र में जो है जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ों की संख्या जो है कम हो रही है, और इससे जो है खेती पर जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पेड़ कट रहे हैं, इससे जो वर्षा होती है तो वर्षा का जो जल है, पेड़ के कटने से जो है जो जल स्तर जो है, जो जल का रिसाव है, वो भूमि पर उसका भंडारण नहीं हो पा रहा है, उसका जल स्तर बहुत ही नीचे गिर रहा है। इसे हम लोगों सबको मिल करके बचाने की बहुत ही ज़रूरत है, और हम सबको जो है मिल करके आगे आना चाहिए। और हसदेव में जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसे रोकने की बहुत ही ज़रूरत है। मेरा यही विनती है सबसे कि सभी आगे आए और हसदेव में जो हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है उसे रोकें। धन्यवाद। हसदेव जंगलों में बहुत ही कोयले पाए जाते हैं,
जिसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। इसका गलत उपयोग अंबानी और अडानी इसका गलत उपयोग करके सरकार को अधिक पैसे में कोयले बेचना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत अधिक लाभ हो सके। इसे हमें हजारों जंगलों में पेड़ की कटाई को रोकनी होगी ताकि कोयला ना निकाला जा सके। छत्तीसगढ़ का नंबर वन कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं 12वीं PAT ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य, प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस, PAT की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था, स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य, प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था, 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन के अनेक पद्धतियां, साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण, छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान, मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर, रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर।